सो गाइस पिछले वाले एपिसोड में मैंने जो लेजेंड खेला था और इस वाले एपिसोड में मैंने गाइस अनलिमिटेड वाली चीज़ें लगा के खेल रहा हूँ। लेट सी क्या डिफरेंट होता है जब आप लोग लेजेंड खेलते हो और साथ साथ जब आप लोग जो है पूरा कॉइन वगैरह लगा के खेलते हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है अनलिमिटेड कॉइन हो गए गाइस। तो अभी जो है पिछले वाले एपिसोड में या फिर आपने पिछली वाली वीडियोज नहीं देखी होगी जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैंने एक घंटे कंटिन्यूसली खेला तब जाके जो है ना गाइस मेरे पास जाके मिनिमम से मिनिमम सारी चीज़ें हुई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से जाके 7-8 जो भी वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, डायरेक्ट सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट बाई करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, डायरेक्ट बाई 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 बाई। ऑल राइट, सो हमें कुछ नहीं बनाना यहाँ पे, सारी चीज़ें बाई करते रहते हैं। 99 देयर वी गो, स्क्रैप, ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग करेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट परचेज कर लेंगे, हमें जो भी चाहिए हम लोग कलेक्टिंग करेंगे ही नहीं। चलिए बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री में हो गई और हम लोग इसे क्राफ्ट करना शुरू करते हैं। रॉप इन्वेंट्री फुल, लोल रॉप इन्वेंट्री फुल। सो अभी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर दी जिसकी वजह से इन्वेंट्री फुल हो गई और एक ऐसी सिचुएशन आ गई यहाँ पे कि हम लोग जो है ना आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं, दिक्कत ये है। ये देखिए इन्वेंटरी फुल दिखाएगा, ना आगे हो सकते ना पीछे। ऑल राइट, सो गेम को मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ गाइस, देयर वी गो। अभी जो गेम को फिर से रीस्टार्ट करके चेक करना पड़ेगा, न्यू गेम करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर दी थी मैंने जिसकी वजह से हम लोग आगे पीछे नहीं हो सकते थे, इस बार फिर से ट्राई करते हैं। देयर वी गो, नया गेम स्टार्ट और सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे परचेज में जाना है और सप्लाई में जाना है, नहीं रिसोर्स में जाना है। यहाँ पे एक ये और एक ये, बस एक एक ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएगा तो फिर इन्वेंटरी फुल दिखाने लगेगी, क्या फ़ायदा होगा हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे रुक क्राफ्ट करते हैं, कैन क्राफ्ट करते हैं। आओ अब सार्क वगैरह आओ भाई, सार्क कितनी बार आओगे, देयर वी गो। चलिए इनफ हो गया, अभी तो हमें अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। ओ लेवल अप भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी फास्ट लेवल अप हुआ है। वैसे हमें इन सभी चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवल अप कर लिया। स्पेयर्स, कुकिंग, क्या चाहिए हमें, कुछ चाहिए, अरे बहुत रिसोर्स है भाई, करो ना क्राफ्ट, ये लो ये लो ये लो। वैसे डायरेक्ट बहुत सारा एक साथ नहीं क्राफ्ट कर सकते, नहीं एक साथ बहुत सारा नहीं क्राफ्ट कर सकते, दिक्कत ये है। चलिए मैंने जो है कुकिंग पॉट क्राफ्ट कर लिया, इसको एक और क्राफ्ट कर लेते हैं। स्पेयर्स, कुकिंग पॉट, फिशिंग रॉड, नेल्स क्राफ्ट करना शुरू करते हैं। ऑल राइट, देखते हैं कितनी देर में हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, पिछली बार जो है ना गाइस बहुत टाइम लगा था हमें करने के लिए। ओके तो ये क्या हो रहा, ऑटोमेटिकली हो रही थी सारी चीज़ें, ये देखिए ये कुछ नई चीज़ें हैं क्या, यहाँ पे करके इस तरीके से फेंक दो और इसमें जो है जितनी सारी चीज़ें आएंगी ऑटोमेटिक फंस जाएंगी। तो मैं खामखा इतनी मेहनत कर रहा था क्या, ओह सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल गई, खैर दो चीज़ें आ गई। ओके तो कुछ चीज़ें मैंने सीख ली, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें कैसे पकड़ें ये वाली चीज़ मैंने जरूर सीखी इसमें। खैर चलिए अभी जो अपना बेस जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। पिछली बार तो मैंने इतने बनाने में मुझे सुबह से शाम हो गई थी, बट इस बार जो है ना बहुत बड़ा बेस बनाने वाला हूँ। मिर्ची कितना बड़ा बेस बना सकते हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितना बड़ा बेस बना सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं कितना बेस बड़ा बना लेंगे। ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ओके सो यहाँ पे कुछ दिखा रहा था मुझे, बिल्ड बिल्ड, चलिए ये कुछ मुझे सिखा रहा था अभी, अभी आगे पीछे भी नहीं हो पा रहा हूँ मैं, कुछ सिस्टम गलत है क्या। और कुछ बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, इसे भी बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड, ओके और कुछ इसको भी बिल्ड कर ही देते हैं, बिल्ड, और कुछ नहीं बिल्ड कर सकते, ग्रेट ग्रेट। हाँ मेरे पास वाटर प्योरिफिकेशन है, मुझे पता है, सिखाओ मत, चलो निकलो। ऑल राइट, अभी जो हम लोग फिर से अपना बेस बिल्ड करना शुरू करते हैं। देयर वी गो, वॉल्स, नहीं वॉल्स नहीं चाहिए अभी जो है, लैक ऑफ मटेरियल, मटेरियल बहुत जल्दी लैक हो जा रहा है इसमें, तभी तो मैं कहूँ कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। यहाँ पर मैं रूफ को क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ, ये ज़बरदस्ती इम्पटी कैन क्राफ्ट करवा रहा मुझसे, मुझे ज़रूरत ही नहीं इम्पटी कैन की। चेस्ट क्राफ्ट कर लेते हैं, एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेते हैं जो कि पिछली बार नहीं क्राफ्ट कर पाया था, खैर कोई दिक्कत नहीं। स्लीप हुए, नेट्स, वैसे नेट्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, रूफ से क्राफ्ट करते हैं मैक्सिमम, नेल्स, और भाई जितना आ सके ज़्यादा ज़्यादा नेल्स क्राफ्ट कर लेते हैं।
देयर वी गो। ऑल राइट, सो चलिए अभी जो अपना बेस फिर से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, वॉल्स। देयर वी गो, देयर वी गो। ऑल राइट, सो आई थिंक वी आर आउट ऑफ मटेरियल वगैरह वगैरह, फिर से हो गए हम लोग। चलिए फिर से हम लोग जो है परचेज कर लेते हैं, वो ऐसे बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मैं सेम टाइम में देखने वाला हूँ कितना सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। देयर वी गो गाइस, अभी जो है फिर से क्राफ्टिंग शुरू करते हैं। कहाँ से क्राफ्ट होगा मैं भूल गया, यहाँ से होगा। हमें मैक्सिमम रूफ ही चाहिए, तो ये क्राफ्टिंग में यहाँ पे ये बाजू में चार चार मटेरियल वाली चीज़ें क्या सिस्टम है? ये कुछ तो होता होगा जिससे हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट कर सकें। नहीं हो रहा है कुछ ऐसा, खैर दो दो ही क्राफ्ट कर सकते हैं क्या ऐसे? मुझे लग रहा दो दो ही क्राफ्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, आई थिंक इतना रूफ तो काफ़ी होगा, आपको क्या लगता है? 120 रूफ से ज़्यादा मैंने क्राफ्ट कर दिया है। पूरा ख़त्म ही कर देता हूँ, देयर वी गो। चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। मैं चेक करने वाला हूँ कितनी अच्छे बना सकते हैं हम लोग इस पे बेस। ऑल राइट, आई थिंक इतना बड़ा काफ़ी होगा, बट यहाँ पे इस साइड जो थोड़ा ये छोटा लग रहा। यहाँ पे ये वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बड़ी मैंने लंबी कर दी यहाँ तक, लोल। सो यहाँ पे 2x2 हो गया, इधर सामने की तरफ 2x2 और लगाना चाहिए। लैक ऑफ मटेरियल, फिर से लैक ऑफ मटेरियल। अरे मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमें पे बहुत सारे मटेरियल हैं। देयर वी गो, मटेरियल फिर से लैक ऑफ मटेरियल। स्पेस नहीं है क्या? स्पेस तो है, फिर क्यों ये कह रहा है कि लैक ऑफ मटेरियल? अरे भाई लैक ऑफ मटेरियल नहीं बोलते, अपने पास बहुत रिसोर्स है, माना कर मेरी बात। देयर वी गो, अब करो फिर से लैक ऑफ मटेरियल। अबे यार अपने पास बहुत कुछ है भाई, कहाँ पे प्लेस हो रहा है ये? तू इधर आ भाई, यहाँ पे लग जा। तो रैप को मैंने कर दिया है बड़ा, और बड़ा करूंगा मैं एक एक राउंड। देयर वी गो, क्या लग रहा है गाइस कैसा है हमारा बेस? खतरनाक हो गया हमारा बेस। चलिए मैंने जो है इसको रैप को काफ़ी सारा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया। सारा क्या मतलब बहुत ज़्यादा, ये क्या है 1 फीट कुछ करके ऐसा दिखा रहा है, ये कैसे है? आई डोंट नो क्या है, बट जो भी हो फर्क क्या फ़र्क पड़ने वाला अपने को। इसको प्लेस करना शुरू करें, किधर प्लेस हो रहा है पहला देखते हैं, कहाँ पे लग गया ये? कहाँ लग रहा है ये, दिखा क्यों नहीं रहा? ओके ये रहा, तो यहाँ पे प्लेस करना है हमें पहले। तो भाई इसका कंट्रोल वगैरह गजब है, मुझे मानना चाहिए। वॉल्स लगाते हैं, इधर लगाते हैं। देयर वी गो, फिर से आउट ऑफ मटेरियल हो गए हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी मटेरियल खत्म हो जा रहे हैं। बाबा लॉट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। ऑल राइट, सो मटेरियल की कमी नहीं है अपने पास, डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी। अभी जो क्या क्राफ्ट कर सकते हैं पूछिए गाइस, इस सेल को बिल्ड कर सकते हैं। वैसे इसका काम क्या है, वैसे इसका काम क्या है सेल का, इसको बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहा मैं? कुछ रीज़न होगा, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट कुछ तो रीज़न होना चाहिए। इसको प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं आई थिंक, इसको कुछ अलग तरीके से लगाएंगे क्या? यहाँ पे लगा सकते हैं इसको? नहीं यहाँ पे भी नहीं लगेगा ये, और कहीं लगा सकते हैं इसको? नहीं यहाँ पे भी नहीं लग रहा। ऑल राइट, यहाँ पे लगा सकते हैं।
चलिए प्लेस कर दिया मैंने। चलिए चेक करते हैं ऐसे इसका यूज़ क्या है। वैसे इसका यूज़ क्या है, ओके सो यहाँ पे ये रैप वगैरह कुछ चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए बोल रहा क्या डॉक। सो ये हमारा जो है ना, ये जो है गाइस बोल रहा है ना कि हम लोग जो है एक रैप्ट बना सकते हैं। तो रैप्ट लेने कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके सार का टाइप हो रहा है क्या, सार का टाइप हो रहा कहीं, आ जाओ सार्क, नहीं आएगा कोई सार्क, आएगा ही नहीं, पता है सार्क को, अपुंज भगवान है अभी फिलहाल के लिए। आ रहा किधर आ रहा भूतनी का सार्क, इसकी तो ऐसी की तैसी, आ जा सार्क, आ जा तू इधर आ, किधर है सार्क, सार्क किधर से आ रहा, तू अटैक कहाँ कर रहा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा ये सार्क। आ जा सार्क, आ जा आ जा, उसको लग क्यों नहीं रहा सार्क को, डैमेज क्यों नहीं हो रहा, हो रहा हो रहा, भग गया सार्क भग गया, मेरा दरवाजा तोड़ के भग गया रे बाबा। फिर से सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, रुख की ज़रूरत है अभी जो है, थोड़े से मटेरियल की ज़रूरत है, सप्लाई रिसोर्स देर को अभी जो है क्राफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्राफ्ट कर सकते हैं। वॉल्स को यहाँ पे फिट, ये वाला वॉल्स जो कि हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये गायब हो जा रहा ना, दिख ही नहीं रहा कहाँ पे ये प्लेस हो रखा है। अच्छा ये प्लेस हो रखा है, देयर वी गो गाइस, विंडो एक लगाते हैं, विंडो यहाँ पे, इसको बीच में लगा देते हैं, विंडो जरूरी। ओ तो यहाँ पे इसको डबल फ्लोर कर सकते हैं क्या, नहीं प्लेस हो सकता ये ऐसे, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, मगर अगर प्लेस नहीं हो रहा तो फिर तोड़ेंगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई दिक्कत ही नहीं है तोड़ने वगैरह की, चलिए कुछ चीज़ें और परचेज कर लेते हैं, रिसोर्स देयर वी गो, परचेज ही नहीं हुआ सक्सेसफुल, देयर वी गो गाइस। ऑलराइट अभी जो है फिर से बनाते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के पास जब लिमिटेड कॉइन्स होते हैं, कौन कहता है कि काम इजी नहीं हो सकता। ऑलराइट इसको पकड़ के पीछे लाते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेड वगैरह का क्या सीन है, एक बेड लगा दें। ऑलराइट बेड लगा दिया, ये स्टेयर्स कहाँ लगा सकते हैं हम लोग, सो स्टेयर्स डबल फ्लोर के लिए लगा सकते हैं, और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे पिलर्स हैं, पिलर्स किस लिए लगाते हैं, आई थिंक जो बीच बीच में सपोर्ट देने के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है रूफ लगाएंगे, रूफ उस पर सपोर्ट देने के लिए मुझे लग रहा है ऐसा सीन है, एक पिलर भी लगा देते हैं। सो यहाँ पे डोर भी लगा सकते हैं, मैं तो भूल ही गया कि डोर तो मेन इम्पोर्टेंट है हमारा। देयर वी गो, लैक ऑफ मटेरियल, फिर से लैक ऑफ मटेरियल, अरे इसमें यही तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि है लैक ऑफ मटेरियल, कुछ हो या ना हो मगर लैक ऑफ मटेरियल वो इम्पोर्टेंट है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फर्नेस लगाते हैं, लेट्स सी जो जो चीज़ें हमने नहीं की थी पिछली बार में करते हैं, फर्नेस लगा लेंगे अभी, इम्पर्टी वाइन बैरल बैरल कुछ करके ये, और डिस्ट्रीलर कुछ करके, इसका क्या यूज है, लेवल 14 रिक्वायरमेंट है इसकी, पुट द मटेरियल इनटू द मेक वगैरह वगैरह जो भी हो, खैर क्या ही कर सकते हैं। ऑलराइट आई एम टू थर्स्टी, अरे भाई अपने पास बहुत सारी चीज़ें, तू थर्स्टी हो जाए तो पानी पी, ये ले पानी पी ले तू, मैं तुझे पानी पिला देता हूँ, क्यों टेंशन लेता है तुम्हें, ड्रिंक ये ले पी ले, खुश नशे नहीं करने की भाई, बात नहीं नशे की, खाना भी खाएगा, रुक खाना भी खिला देता हूँ तुझे, ऑक्टोपस फूड है ले, तुझे ऑक्टोपस फूड खिला रहा मैं, सोच खा, फुल कर देता हूँ ये ले, और खा खुश, अब आंगरी नहीं दिखाने का, वॉल्स हो गया, बेस हो गया। ऑल राइट
पिलर्स हो गए, गेट्स लगाते हैं, अभी भी गेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। कुछ गेट्स इस साइड लगा देते हैं, ए यहाँ पे, आई मीन डोर्स, डोर्स विंडो जो कि यहाँ पे, वॉल्स। अब कहाँ वॉल्स प्लेस हो रहा है, इसमें दिक्कत यही है कि कभी कभी गायब हो जाता है। देयर वी गो गाइस, ऑलमोस्ट हमारा बेस जो है ना रेडी हो चुका है। अब कहाँ पे ये दिखा रहा, कहीं तो प्लेस हो रहा मगर कहाँ, ओह शिट, इसको ब्रेक कैसे करें, इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्या, ब्रेक कैसे करें, हैमर क्या हो, मोर पावर यूजी टू फाइट, पिक्सल यूज टू माइनिंग, ब्रेक कैसे करें इसको, देयर वी गो, आई थिंक समवेयर शुड बी समथिंग, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, चलिए ब्रेक करना भी सीख गया मैं। ऑल राइट, अभी प्लेस करना सीखते हैं फिर से, इसको उठा के लाना पड़ेगा। देयर वी गो, आई थिंक ऑलमोस्ट जो है मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं, इसको ऊपर प्लेस कर सकते हैं क्या, मगर इसके ऊपर क्या लगाएं, स्टेयर्स के ऊपर क्या लगाएं, मतलब कुछ तो होना चाहिए, डोर्स हो गया, रेल्स हो गया, विंडो हो गया, बेस हो गया, और कुछ नहीं निकल रहा इसमें से। ओके, तो यहाँ से इसको जो है हम लोग सारी चीज़ें इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं। ओके, और कुछ कर सकते हैं, 1 फीट कुछ करके ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको ऊपर कैसे लगाएं, यहाँ पे रूफ कैसे बनाएं, इसको कुछ तरीका है इसको रूफ वगैरह बनाने का, कुछ तो तरीका होना चाहिए, इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं इसके ऊपर भी नहीं लगा सकते, खैर अभी जो है मुझे इसका रूफ बनाने नहीं आ रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, जब रूफ नहीं बनाने आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, हैं सही कह रहा हूँ गाइस, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे मैं फर्नेस बनाते हैं पहले, तो रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स, देयर वी गो, ये और ये बना सकते हैं फर्नेस, अब चलिए फर्नेस क्राफ्ट कर दिया। हैमर्स वगैरह भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक्स वगैरह भी बना सकते हैं, पहले फर्नेस को प्लेस करते हैं, बैक पैक, देयर वी गो, फर्नेस गोल्ड, इसको उठा के कहाँ प्लेस करूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, रोटेट मार देते हैं, देयर वी गो, लेट्स सी, फर्नेस में लकड़ी देते हैं, आयरन चाहिए इसको, आयरन कहाँ से लाऊँ, वैसे आयरन की हमें ज़रूरत क्या है, हम लोग तो सब कुछ रिसोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, ज़रूरत है हमें, कॉल है हमारे पास, आयरन वगैरह नहीं है हमारे पास, सोल्स हैं, इसको भी एक परचेज कर लेते हैं, फर्स्ट एड किट है, बैंडेजेस हैं, हैमर्स हैं, ऑल राइट, सप्लाई में क्या क्या है, फूड वगैरह है, पैसा ही पैसा है, चलिए, वैसे हम लोग इसका यूज कर ही नहीं सकते अभी तो फ़िलहाल के लिए। ओके, सो आयरन के लिए हमें जो है कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, लेट मी चेक अगेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हमें ये चाहिए, परचेज हो जा, और ये चाहिए, स्क्रैप से हमें जो है वो मिलेगा, अब परचेज ही नहीं हो रहा, चलो हो गया, ओके यहाँ पे भी फुल दिखा रहा, स्किप मार देते हैं, रेडी हो गया, ओ हो वाह वाह, काफ़ी फास्ट हो रहा, एक चीज़ें बनाने के लिए शायद कुछ ज़्यादा मटेरियल लग रहा, देयर वी गो, लेट्स सी गाइस, अभी जो हमारे पास सब कुछ हो चुका है, अभी जो हम लोग फिर से थोड़ी चीज़ें क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं
मैंने क्या क्राफ्ट करने के लिए सोचा था, ये पिक्सल नहीं, ये चीज़ है। चलिए और क्या क्राफ्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़े। हाँ ऐसे मैंने सब कुछ तो क्राफ्ट कर लिया है, अब हमें ज़रूरत ही क्या है। ओके सो अभी हमें ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, जैसे में ये वाली चीज़ें। हमें क्या क्या चाहिए, आर्चर चाहिए और इसके बाद ये चीज़ चाहिए। मैं एक बना दिया मैंने इसको, और इसको भी बना सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कीले चाहिए और कुछ और चीज़ें चाहिए। मैं इसको जल्दी से बनाता हूँ, एक मिनट मैं उसको जल्दी से बनाता हूँ। रुक चाहिए, कीले चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ सप्लाई चाहिए, रिसोर्स। देयर वी गो, अभी बनाते हैं इसको। क्राफ्टिंग रूप में जाते हैं, रूप बनाते हैं। सो यहाँ पे क्राफ्टिंग करना है हमें। अब थोड़े से ये कीले बना लेते हैं, कीलों के लिए गाइस जब बहुत ज़्यादा नेल्स चाहिए, मतलब तीन तीन ये चीज़ स्क्रैप चाहिए वगैरह वगैरह जो भी नाम हो इसका। ऑल राइट, आई थिंक इतना जो इनफ होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेट्स चेक अगेन गाइस, यहाँ पे इस तरीके से जाना है ये। ऑल राइट, फाइनली जो हमने राफ्ट को कर लिया है क्राफ्ट, इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल राफ्ट है और ये जो है हमारा बिग राफ्ट है। ओके सो इसको और भी अपग्रेड कर सकते हैं, हमें जो है क्या चाहिए। आप पहले नॉर्मल राफ्ट देखते हैं कहाँ गया ये। सो ये कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, अरे अपग्रेड तो किया मैंने भाई, नागमणि लेगा क्या। एक्सप्लोर, ओ शिट, तो इस समय हम लोग जो है यहाँ पे हैं और ये क्या बोल रहा, हमें जो है इतनी जगह एक्सप्लोर करने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए आ रहा है बहुत ज़्यादा है। खैर एक एक चीज़ें अपग्रेड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आई एम टू थर्स्टी, अबे कितने पिएगा भाई तू, रह रह के जैसे लग रहा पूरा एकदम भिखारी सा बन जा रहा है। ये ले पी ना तू पानी, तुझे चाहिए ना तू पी सही, मेरे बहुत सारे पानी हैं। कहाँ है, स्पेस ही नहीं है अपने पास। ओके सो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है क्या करता हूँ, एक जो है लॉकर फ्लिप कर लेता हूँ। सार्क की ऐसी कि ऐसी, रुक जा सार्क, किधर है तू सार्क, तू किधर है। वो भाई तुमने तो पूरा गेट ही तोड़ दिया मेरा, ये कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा, तोड़ गया ये। इसको अपग्रेड नहीं कर सकते क्या, आई डोंट थिंक हम लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं। खैर छोड़ी जाने दीजिए, अभी मैं कुछ प्लेस करने वाला था ना, यहाँ पे चलते हैं बैकपैक। देयर वी गो, प्लेस, तोड़ दिया रैप्ट को, फिर से वापस जाते हैं। वॉल्स प्लेस, वॉल्स प्लेस, देयर वी गो, कुछ चीज़ें खाली करते हैं इसमें। इसको तो ड्रिंक कर सकते हैं, अपने पास ड्रिंक लिए है। चलिए ये कैन वगैरह इसमें डाल देते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें ज़रूरत नहीं है। खैर ऑल राइट छोड़िए, अभी जो है अभी देखते हैं हम लोग और इसको क्या क्या कितना अपग्रेड कर सकते हैं। हम लोग इसको पूरा मैक्स अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। कील चाहिए और इसके अलावा जो है हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे हमें क्राफ्ट करते हैं ये कील चाहिए हमें, और रूफ चाहिए। रोप नाम है इसका, रूप नहीं है, रोप नाम है। चलिए रोप क्राफ्ट करते हैं। ऑल राइट, आई थिंक इतना इनफ होगा इसको अपग्रेड करने के लिए। लेट्स सी गाइस, अब मुझे क्या लग रहा है इसको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा वायदा है। हाँ अपग्रेड करने का कुछ फ़ायदे हैं, एक्सप्लोरिंग टाइम बढ़ जाती है शायद, यहाँ पे हम लोग जो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स सी गाइस, ओके यहाँ पे अब नहीं अपग्रेड के लिए दिखा रहा क्या, अब नहीं दिखा रहा। ओके तो यहाँ पे हम लोग जो है ना डायरेक्ट क्लिक करके इधर उधर जा सकते हैं। यहाँ पे कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो जो अनलॉक है आई थिंक ये दो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सारी दिखा रहा है। चलिए एक्सप्लोर करके आते हैं। तो यहाँ पे ये चल के जा रहा है नाव से, ये देखिए बूम, चलिए अभी दूसरे मैप पे आ चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है, अभी इस पे आ चुके हैं हम लोग, ग्राउंड पे आ चुके हैं। ये हमारी बोट है, सामने की तरफ दिख रही होगी आपको,
ओह काफ़ी अच्छी बोट बना दी मैंने तो। सो यहाँ पे मटेरियल काफ़ी अच्छे खासे दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिक्कत ये मतलब परेशान क्या दिक्कत कुछ नहीं हुई, तो इसको कुछ अलग मटेरियल से हमें जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे चीज़ें पड़ी हुई हैं, इधर भी को ओके लेट्स सी गाइस अभी जो है हम लोग किस वाली चीज़ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इससे भी नहीं कर सकते, ओह शिट, इससे ना ना, व्हाट अबाउट वुड गाइस। सो यहाँ पे वुड आ रहा क्या? आई थिंक यहाँ पे वुड आ रहा हमारी इन्वेंटरी में। हाँ गाइस चलिए, मगर ये जो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इतना स्लो क्यों भग रहा। आई थिंक इसकी स्पीड ही इतनी है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड है जो कि कुछ खास बड़े नहीं है। आई एम हंग्री, अरे भाई तू हंग्री कितना रहता है। चलिए इसको कुछ खिला पिला देते हैं पहले तो। देयर यू गो गाइस, ऑल राइट। सो ये वाला जो है ना गाइस कुछ खास नहीं दिखा रहा, तो ये तो मुझे फालतू सा लग रहा। यहाँ पे कुछ है भी नहीं एक्सप्लोर वगैरह के लिए, इसको कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा मैं इससे ना, इसे ना। ऑल राइट सो यहाँ पे एक वो था, मुझे फाइट लूँ क्या इससे? वैसे आर्मर वगैरह तो नहीं है हमारे लिए। आई थिंक मुझे हैमर से फाइट लेना चाहिए या फिर इससे या फिर इससे। लेट मी चेक किससे फाइट लेना चाहिए। पता नहीं किससे फाइट लेना चाहिए, अभी ट्राई करते हैं। वुल्फ क्या हमारे ऊपर अटैक कर सकता है क्या? हाँ मुझे पता है ये वुल्फ की आई थी। बाबरे 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 तू मार रहे, अरे बाबा बाबरे 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 बाबरे, गेम ओवर गेम ओवर। देखते हैं कहाँ पे स्पॉन लेते हैं। वापस अपने रेफ्ट पे आ गए हम लोग, हमने सब कुछ खो दिया, दुख दर्द कहानी एक्सप्लोरिंग ऑल राइट। खैर कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, तो अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी नाव जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेट्स सी फिर से एक्सप्लोरिंग के लिए कहाँ जाएँ, यहाँ पे चले जाएँ। चलिए ये वाला एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो इसमें और कुछ करना नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बनाओ एक्सप्लोर करो, बनाओ एक्सप्लोर करो, दैट्स इट गाइस। और कुछ नहीं है यहाँ पे, भी वुल्फ है एक, कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं मुझे। इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक हम लोग इसको कलेक्ट कर पाएंगे। और कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है क्या? नहीं नहीं यहाँ पे है क्या मुझे ये बता दो आप लोग। शॉप में चले जाते हैं, टूल्स में चले जाते हैं, हैमर ले लेते हैं। वैसे भी हैमर से कुछ हो तो रही था नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं फाइट देने की। ना कुछ ना होता गाइस हैमर से। वुल्फ किधर गया? वुल्फ किधर गया? ये रहा वुल्फ। ऑल राइट चलिए एक बार फिर से वुल्फ को मारने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है ही नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा। इसने तो मेरी पेटी बना दी दो बार में। खैर इसको हम लोग स्पेयर से ही मार सकते हैं ओनली। चलिए छोड़े जाने दीजिए, अभी जो है हम लोग वापस आ चुके हैं। और मुझे और क्या करना चाहिए यहाँ पे? और कुछ तो करने लायक दिख भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे और इसको जो है अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं क्या, कुछ सीन वगैरह। अपग्रेड वगैरह का सीन कुछ नहीं आ रहा, एक्सप्लोर करने के लिए भी कुछ नहीं आ रहा। और कुछ चीज़ें हैं इन्वेंटरी में, कुछ नहीं है। उसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं क्या? चेयर्स वगैरह और भी कुछ नहीं है। दैट शुड बी समथिंग विच वी कैन डू यू। सो यहाँ पे और कुछ नहीं दिखा रहा, बस एक्सप्लोरिंग के अलावा और कुछ तो नहीं दिखा रहा। क्या बोल रहा? लेवल 20 रिक्वायरमेंट। ओके सो यहाँ पे लेवल्स की रिक्वायरमेंट है बाकी सारी जगहों पे एक्सप्लोर करने के लिए। खैर बस इतना ही गेम है ये गाइस, गेम जो है ना बस इतना ही है। 30 मिनट का गेम था पूरा,
मैंने पूरा समझ गया गेम क्या है, करना क्या है। आप लोगों को पूरा मेहनत करना है, पसीना बहाना है, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, एक एक चीज़ इकट्ठी करनी है। करने के बाद जो है ना, आपको इस तरीके से जो है आपका बेस बनाना है, रेफ्ट बनाना है, और रेफ्ट बना लेंगे आप लोग ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। जगह जगह पे आपको ले जाएगा एक्सप्लोर कराने के लिए, और जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको एक्सप्लोर करने पे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप्स, ये यहाँ पे ये मैप्स है आपको एक्सप्लोर करने के लिए देगा ये, जो कि लेबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूरा गेम क्या है, और अगर आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं तो आप लोग इजीली सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे वाइन वगैरह बना सकते हैं आप लोग, इससे कुकिंग पॉट थोड़ा सा एक्सचेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं इसमें खास। और लाइट गाइस, तो इस गेम को यहीं पे एंड करते हैं, और दूसरा गेम कभी कोई दूसरा गेम खेलेंगे जहाँ पे कुछ और कुकिंग है गाइस। तो ये वाला गेम भी उतना खास इंटरटेनिंग नहीं है, और बहुत ही कम इस गेम में मज़े। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और भी आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर दें। और जो गाइस मजे के लिए वीडियो खेलते हैं, मतलब गेम को हमेशा मजे के लिए खेला जाता है ना, कि जबरदस्ती सीन के लिए खेला जाता है। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।